गाइस, तो अभी यहाँ से नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस, हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। अभी कहाँ जाए? कहाँ जाए? घर, निया के घर। देखिए दोनों को, सुबह के 4 बज रहे हैं और मस्ती देखिए दोनों की, इतने एक्साइटेड है। तो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। हम लोग आ गए हैं होटल रूम में और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो देखिए, नव यहाँ की तो एक्साइटमेंट ही कम नहीं हो रही है। अभी जस्ट पहुंचे हैं हम लोग, मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर सो जाएंगे। इन लोगों को देख के लग नहीं रहा कि दोनों सोने के मूड में। देखिए इतनी मतलब एक्साइटमेंट है ना। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, देखिए जब वो रहती है तो ये तो होना ही है ऐसे। चलिए फिर गाइस, अभी हम लोग फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, हो गया, फिर आपसे कल सुबह मिलते हैं हम लोग। चलिए फिर, देखिए दोनों को। The next morning. Good morning guys. अभी बज रहे सुबह के 11। ब्रेकफास्ट करने हम लोग नीचे नहीं जा पाए क्योंकि सुबह 6:30 बजे हम लोग सोए हैं। तो ये हमने रूम पे ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। तो उन्होंने बोला कि रूम पे हम बस पराठा और सैंडविच ही दे सकते। हमने बोला कुछ भी मिलेगा चलेगा। तो पराठा, सैंडविच और उसमें शायद दही है और चाय, ये आया है। बाकी कल से जाके नीचे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं और आज हमें दिन में डॉक्टर के पास भी जाना है, बट उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये यहाँ पे इस होटल रूम में इतना स्पेस है। तो ये यहाँ पे 2 चेयर टेबल लगी है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ कर ब्रेकफास्ट करेंगे। निया कब? निया गुड मॉर्निंग। तुम लोग के लिए सैंडविच आया है। गुड मॉर्निंग निया। ये है अनिमेश। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो दिल्ली की जमीन से हम आपको ग्रीट कर रहे हैं आज, और एक कप चाय के साथ, साथ में पराठे, साथ में पराठे। और माफ कीजिएगा, हम लोग थोड़े सोए सोए हैं। ये मेरी चाय। तो आज है यहाँ पहला दिन हमारा, क्योंकि आज सुबह में ही हम लोग आए हैं यहाँ पे, 4 बजे के करीब पहुंचे थे। तो नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, नींद आई है 6 बजे के करीब और फिर अच्छे से सो नहीं पाए, फिर उठ भी गए। तो ब्रेकफास्ट करने हम लोग नीचे नहीं जा पाए, 10 बजे तक ही ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। तो हमने रूम में ही मंगा लिया। तो उन्होंने बोला कि रूम में तो हम आपको बस पराठे और सैंडविच दे पाएंगे। हमने बोला जो है सो चलेगा, आप रूम में ही दे दीजिए, हम लोग अभी आ नहीं सकते क्योंकि नवनी उठने के मूड में नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग उठ गए। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, नवनी का आई चेकअप होना है। एक्चुअली क्या है, बहुत कम टाइम है हमारे पास क्योंकि अनिमेश हमें हमारे होम टाउन तक पहुंचाकर फिर वापस चले जाएंगे दुबई। तो इसीलिए सारी चीजें जल्दी जल्दी में हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए आज ही सुबह आए हैं, आज ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है। तो जितना भी यहाँ का काम है जल्दी जल्दी इसी तरह से कर लेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। सोचा तो बहुत कुछ था, देखते हैं पूरा हो पाता है कि नहीं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो हम सब तैयार है ना निया? कुछ
नो चेकअप हो गया, सब ठीक है। अभी हम लोग आए हैं मैकडी में, नवनिया को कुछ खिला दे, हम लोग भी खा ले, भूख लगी है जोड़ों की। बहुत भीड़ है क्योंकि आज सैटरडे है। मैंने लिया है पनीर रैप, अनिमेश ने लिया है चिकन रैप, और बच्चे तो वही नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। नव वॉशरूम गया है। अभी बज रहे हैं रात के 8, मैं आ गई हूँ होटल रूम में और ये लोग तो काफी पहले आए। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले वाले क्लिप में, नवनिया को आई डॉक्टर से दिखाया, उसके बाद सबने मैकडोनल्ड्स में खाया, उसके बाद ये लोग वहाँ से आ गए यहाँ। वही पास में मैं ऑटो से चली गई थी डेंटिस्ट के पास, जहाँ मैं जाती हूँ हर बार दिल्ली आने पे, मैं अपने दांतों का चेकअप कराती हूँ, मतलब जो ऐसे होता है रेगुलर चेकअप, तो उसके लिए चली गई थी। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत और भी कुछ कुछ काम था, सब मैंने कर लिया। अभी मैं आ गई हूँ, ये लोग तो बहुत देर पहले से आए हुए हैं, तो अभी देखती हूँ खाने पीने का क्या करना है। बस यही है। और यहाँ आने के बाद ना इतने बिजी हो जाते हैं, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि चैन से आराम से बैठ सके, घूम सके। जब भी हम लोग दिल्ली आते हैं, जिस दिन उतरते हैं उस दिन से ही काम रहता है, इतने बिजी हो जाते हैं। काम तो पहले जरूरी है, जिस काम से आए वो तो जरूरी है, तो सब है। अभी तक हम किसी से मिल भी नहीं पाए हैं, मेरे फ्रेंड से नहीं मिल पाए, किसी से मिल भी नहीं पाए हैं। तो अभी जो भी काम है वो सब अभी कर रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे बहुत कम दिन के लिए हैं तो इसीलिए वीडियोस वगैरह भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि एडिट करने का भी टाइम नहीं मिला है। वीडियो बनी हुई है बट इतना भी टाइम नहीं है कि एडिट कर अपलोड कर पाऊँ। सुबह से बाहर थी इसलिए आज वीडियो नहीं गया, कल कर पाई, आज भी नहीं कर पाई, अभी ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, फ्रेश हो लूँ उसके बाद। इस रूम में ना लाइट बिल्कुल कम है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, और मुझे ऐसी कम लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और ये आया है, ये है दो वर्जिन मोहितो, इसमें से निया ने पी लिया है। यहाँ हमने बुक किया है तो ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ ही ये दो स्नैक्स और दो ड्रिंक्स डेली कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आज हमने एक पनीर, एक चिकन और ये दो मंगाया। और निया को बहुत भूख लगी है, निया खाने के लिए परेशान है, मैं इसको दे देती हूँ। ना तुम सिर्फ शैतानी कर रहे हो, खा नहीं रहे हो, खाओ चिकन खाओगे या पनीर खाओगे, बताओ ना। निया तो पनीर खा रही है। नहीं खा रही, खा रही है निया। और अनिमेश अभी गए नीचे कुछ सामान लाने।
The next morning. Good morning guys, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, कल तो नहीं जा पाए थे, आज उठ के हम लोग जा रहे हैं अभी। हेलो नवनिया, no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नब को क्या हो गया? किस सोच में डूब गए हैं? You don't have to wait, I can take the pain. खाना पीना कहाँ हुआ, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। आ गए हम ब्रेकफास्ट करके, तो देखते हैं आज का क्या प्लान बनता है, कैसे क्या होता है। फिलहाल तो अभी मैं वीडियो एडिट करूंगी, और जो ट्रैवल वाली वीडियो थी वो मैंने अभी तक एडिट करके अपलोड नहीं किया था, वो अभी एडिट करने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। जैसा कि आपको पता है कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, जबकि जब भी मुझे टाइम मिलता है जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, तो वो भी मुझे करना है, तो वो भी आज मैं करूँगी। तो वो सब है बस। तो चलिए फिर इस वीडियो में, और तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही रहा हमारा दिल्ली में पहला दिन, मतलब कल वाला दिन पहला ही दिन था हमारा, और आज देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। इधर आओ, उधर से क्या बोल रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इधर आकर बोलो, आओ यार, चीयर्स एंड लाइक।